नमस्कार मित्रों, मैं दीपक तनेजा, आपका मित्र, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर। मित्रों, आज मैं एनीमिया के बारे में बात करने वाला हूं, उससे संबंधित कुछ होम रेमेडीज की चर्चा आपसे करूंगा। एनीमिया का मतलब है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं जिनकी जब ये स्थिति होती है तो उनके शरीर में शक्तिहीनता का महसूस करते हैं, वो बड़ी जल्दी थक जाते हैं। आज मैं कारणों पे बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी की एनीमिया की कमी मेडिकल जांच में निकल के आई है, उनके लिए कुछ होम रेमेडीज, कुछ घरेलू चीजें जो घर में सामान्यता होती हैं या हम घर में लाकर उनका इस्तेमाल करके उनको कवर कर सकते हैं, उनकी चर्चा कर। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है, ये एक हमारे पूर्वजों द्वारा बड़े लंबे समय से जिन चीजों का घर में इस्तेमाल करके कुछ बेहतर रिजल्ट निकले हैं उन पे बात हो। तो कृपया इसे ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जोड़ें, ना मेडिकल साइंस से जोड़ें, ना किसी और चीज से जोड़ें, सिर्फ होम रेमेडीज तक ही बात का सिर्फ मन में विचार रखें। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है होम रेमेडीज ऑफ एनीमिया। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जैसे हमारे रक्त में लाल कोशिकाएं या रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं उनकी कमी या हीमोग्लोबिन की कमी से आयुर्वेद इसे पांडुरंग कहता है, लेकिन मैं आज केवल होम रेमेडीज की बात कर रहा हूं तो मैं उस सब चीज के ऊपर भी नहीं जाऊंगा। ये इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी का शरीर में रक्त बनता, हीमोग्लोबिन बनता ही कम है, संभव है। फीमेल्स को जब पीरियड्स का टाइम होता है तो ये समस्या होने की संभावना रहती है, या कहीं पे किसी दुर्घटनावश या किसी और कारण से भी अगर आपका रक्त बह गया है बहुत अधिक मात्रा में किसी भी कारण से, या रक्त में आपके पारिवारिक परिवेश में भी ऐसा हो सकता है कि सभी जेनेटिकली हीमोग्लोबिन की कमी लेकर भी हो, ऐसा संभव है, ऐसा होता है। तो अगर कहीं पे भी कोई भी कारण है तो उसके लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे उसका उपाय करना चाहिए, कैसे उसको वो अपने चीजों के लिए क्या क्या खाए और कैसे कैसे उसको संभाले, आज हमारी विषय यही रहेगा। संभवतः कभी कभी गलत मेडिसिन से भी संभव है, कोई इंजेक्शन लग जाए उसके कारण से भी हो सकता है, और जो हम भोजन करते हैं उसमें इनसफिशियंट मात्रा में आयरन की कमी से भी संभव है। देखिए, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है सामान्यता जैसे फीमेल्स में होती है तो डॉक्टर फटाफट जो है आपको जो है आयरन की टेबलेट लिख देंगे। तो मैं पहले भी कई बार इस विषय में अन्य कभी वीडियोस में बता चुका हूं कि जब भी कोई आयरन लेता है तो उसके साथ फोलिक एसिड अवश्य ले, अन्यथा जो आयरन विदाउट फोलिक एसिड होता है ऐसा आयरन लेने के बाद जनरली लोगों के पेट में दर्द होता है, तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो कभी भी लें आयरन, जब भी लें यानी कि टेबलेट फॉर्म में लें तो आयरन प्लस फॉलिक ही लें, सिंपल आयरन की टेबलेट ना लें। देखिए, मैं आज आपको एक बहुत ही सब्जियों के अंदर जब हम मार्केट में जाते हैं तो सर्दियों में विशेष रूप से चुकंदर जो होता है उसका आपने देखा होगा वो बहुत जो है अच्छी मात्रा में बिक रहा होता है। थोड़ा सा सख्त सा चुकंदर आप लें उसे, वो फ्रेश होता है, तो आप चुकंदर को खाना शुरू करें तो ये जिनके अंदर इस प्रकार की कोई भी कमी होती है उसके विकार को पूर्ति करने में ये सबसे बड़ा सहायक है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में चुकंदर में जो होता है आयरन होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए विशेष रूप से आवश्यक हो। ये सलाद में भी खा सकते हैं आप, इसको कुछ लोग सब्जी की तरह भी खा लेते हैं, और जूस निकाल कर उसमें नींबू डालकर ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल के टेस्ट को अच्छा करके भी खा लेते हैं। मैं ले लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं सलाद में भी ले लेता हूँ, मैं कभी कभी उसको जूस फॉर्म में भी ले लेता हूँ, मुझे दोनों तरीके से अच्छा होता है। थोड़ा सा ये कुछ कसैला सा होता है तो इसमें थोड़ा नमक और नींबू डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आपका आ जाता है। हार्ड भी होता है तो थोड़ा चबाने में भी इसको थोड़ा सा समय लगता है, प्रॉपरली च्यू जरूर करना चाहिए अच्छे से ताकि उसका लाभ आपको मिले। और अगर कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ जानकार, कुछ आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग वो सलाह देते हैं कि लेमन जूस निकालें, उसमें चुकंदर के पीसेस डालकर उसमें रख दें और लेमन जूस के बीच में पड़े रहने देने के बाद उसको सुबह के टाइम पे वो लें, साथ में जो आए चुकंदर के पीस आए उनको भी चबा के खा जाए। तो किसी भी प्रकार से लें, और
ये आपके लाभदायक है। और मेरा यहाँ पे विशेष अनुरोध हर एक महिला से रहेगा कि वो जिनको इस प्रकार की समस्याएं सामान्य तौर पे होती हैं कि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जनरली लोग आके बताते हैं कि हमारे को हीमोग्लोबिन की समस्या है, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयरन को लेना शुरू करें, जिसमें मेरी सलाह में चुकंदर का नाम भी आता है। जैसे ही आप चुकंदर को ज्यादा लेने लगेंगे उसी समय से आपके शरीर में आयरन की कमी धीरे धीरे कंप्लीट होने चली जाएगी, होने लगेगी, और आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा, जो सामान्यता अराउंड 13-14 रहे तो ठीक रहता है, अगर उससे ज्यादा भारतवर्ष में अगर उससे बहुत ज्यादा हो जाए तो भी एक समस्या मानी जाती है। सामान्यतः भारतीयों का जो होता है वो 14-15 के आसपास ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब मुनक्का एक और बहुत जो घर में मिलने वाला जो है एक पदार्थ है जो हमारे सामान्यतः सभी घरों में मिल जाएगा, मुनक्का लें और रात में उसको पानी में भिगो के छोड़ दें, 10 से 12 मुनक्का लें, सुबह उठें और उसमें से बीज निकाल के एक तरफ कर दें और मुनक्का और पानी दोनों को आप ले लें। ये भी आपके अंदर सुबह सुबह लिया गया जो ये है, ये भी 2 से 4 हफ्ते लेने के बाद ये भी आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी है उसको दूर करेगा। आप महसूस करने लगेंगे कि आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो कम हो गई है। पालक का जूस ले सकते हैं आप, जो आप 125 ग्राम जूस जो है अगर आप लेते हैं और 2 से 3 हफ्ते लेते हैं, क्योंकि पालक अपने आप में बहुत रिच है आयरन के लिए। बट एक मैं यहाँ पे एक और बात बोलूंगा, कई बार लोग कहते हैं हम पालक का साग खाते हैं, देखिए पालक खाने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी है, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, और सर्दियों में एक सरसों का साग और पालक का साग और मक्की की रोटी जो है ये हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही फेवरेट है, आप कहीं पे भी किसी के घर जाओ तो एक नाश्ते में आपको मिलेगी। बट पालक को पचाने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं, तो जिनकी पाचन में समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ऑलरेडी उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो पालक का जूस तो ले लें, नींबू डाल के टेस्ट डेवलप करके ले लें, बट डायरेक्टली पालक खाएंगे तो उनको अपच की यानी कि कब्जी की समस्या में और ज्यादा समस्या क्रिएट हो जाएगी। ऐसे लोगों को मेरी सलाह रहती है कि वो पालक की मात्रा टेस्ट के लिए ना करके हेल्थ के लिए जो दूसरा प्रकार है उस तरह से लें। आंवला जूस तीसरी चीज है, 1 टेबल स्पून आंवला जूस लें और बनाना लें, उसको क्रश करें अच्छे से और उसमें वो आंवला जूस मिक्स करें और उसका जो है ऐसा करके एक केला जो हमारा 3 बारी 2 बारी हम अपना दिन में ऐसा करके एक केला लें, उसमें आंवला जूस मिक्स करें अच्छे से और उसके साथ हम अपने खा लें, तो वो भी हमारे शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। अपने आप में दोनों ही जो है डाइजेशन और उस आयरन के लिए दोनों रिच है, ये दोनों हमारे लिए बहुत अच्छे। आप ये 2 से 3 बार करेंगे तो कुछ समय के बाद आप महसूस करेंगे कि ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर बारी नया केला और नया ही आंवले का जूस का वो करें, बना के रख दिया और दिन में 3 बार ले लिया ऐसा नहीं करें, फ्रेश बनाएं, फ्रेश साथ के साथ लें और खत्म करें। आप कोई भी व्यक्ति जिसको एनीमिया की समस्या है उन्हें क्या करना चाहिए, केला अपने आप में बहुत अच्छा है, उसमें शहद को मिक्स करके उनका भी आप अच्छे से छोटा छोटा कर दें, क्रश कर दें, उसे अच्छे से मिला लें और उसको भी आप ले लेंगे तो भी आपको वो बहुत लाभदायक होगा। शहद और केला साथ साथ भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा, ये भी आपको बहुत अधिक लाभ देंगे अगर आपको एनीमिया है। मैं आपको कुछ चीजों के नाम बताता हूँ जिनमें एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन रिच होते हैं, उनमें आप अगर लेंगे तो बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। जैसे कि मैंने शहद का नाम लिया अभी आपसे, बादाम है, केले हैं, आड़ू है, किशमिश है, सलाद के जो पत्ता आता है सलाद पत्ता, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अपने शरीर की पौष्टिकता बढ़ाने में, शरीर की हमारी आयरन की कमी को दूर करने में बहुत मददगार होता है। तो जहाँ पे मिले आपको मौका लगे फ्रेश मिले तो जरूर खाएं। आपका प्याज है, पालक का मैंने अभी आपको उल्लेख किया ही है, आपके अंगूर बहुत अच्छे होते हैं, अंगूर तो जिनको कब्जी रहती है उनको ले लेने चाहिए, अगर वो खाते रहते हैं तो उनकी कब्जी में भी सहायक हो। टमाटर ये भी बहुत अच्छे आयरन रिच माने गए हैं, गाजर, आंवला और अभी मैंने आपको सबसे पहले चुकंदर का नाम लिया था, सेब, अनार, इनमें सभी में बहुत अच्छी मात्रा में जो है आपको आयरन मिल जाएगा। ये नेचुरल वे है आयरन को अपनी बॉडी में लेने के लिए,
हमेशा नेचुरल तरीके से ही शरीर की अंदर अगर कोई चीज जाती है तो वो हमारे लिए लाभदायक हो। तो मेरा हमेशा सभी से आग्रह रहता ही यही है कि आप नेचुरल वे में आप चीजें लें तो आपको वो नुकसान नहीं देगी। कभी कभी हम जो सप्लीमेंट फॉर्म में चीजें लेते हैं अगर वो नेचुरली बनाई गई नहीं होंगी तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं, हमारे लिए हानिकारक। इसलिए जब भी लें तो नेचुरल चीजें लेने में सबसे अच्छा रहता है। ऐसे में कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर खून भी चढ़ा देता है, जब बहुत ज्यादा आपका एनीमिया होता है खून भी चढ़ा देते हैं। तो किसी बहुत अच्छे हेल्दी व्यक्ति का खून अगर आपके अंदर आता है तो भी आपको बड़ी जल्दी हीमोग्लोबिन की कमी को वो दूर कर। खाना खाने से पहले रात का डिनर या दिन का दोपहर का लंच करने से पहले अगर एप्पल जूस पी लेते हैं, ये कम से कम खाने से आधा पौना घंटा पहले लें, खाली पेट होना चाहिए उससे, ना पहले कुछ हो और ना आधा पौना घंटे बाद कोई और चीज। इवन आप ये रात को भी कर सकते हैं, सोने से पहले जब आप बिस्तर में जाने लगे अगर आप उससे 1 घंटा पहले, और भोजन और इसके बीच में 1 घंटे का समय निकल चुका है, अगर आप 1 गिलास फ्रेश एप्पल जूस खुद निकाल कर आप लेते हैं तो ये भी आपके शरीर में आयरन की कमी को दूर करेगा। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जो सामान्य चीजें जिनके माध्यम से हमारा शरीर रह सकता है, अच्छे सुधार ला सकता है, तो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है और आज भी मैं इसी उद्देश्य से आपके साथ सामने आया था। ये केवल होम रेमेडीज हैं मैं फिर कहूंगा, और किसी को किसी भी प्रकार की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी लेनी हो तो वो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। नमस्कार।